अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भीषण जानलेवा हमला हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप पेंसिल्वेनिया में रैली को संबोधित कर रहे थे। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप को खास तौर से निशाना बनाकर फायरिंग की गई। गोलियां चलने के बाद ट्रंप कान पर हाथ लगाकर पोडियम के नीचे झुक जाते हैं। फायरिंग के बाद रैली स्थल में भीड़ में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए वहां मौजूद कई लोग अपनी अपनी जगह पर ही लेट जाते हैं। ट्रंप के पास मौजूद सिक्योरिटी और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को घेर लिया। देखा जा सकता है कि खचाखच भीड़ से भरी रैली को ट्रंप संबोधित कर रहे हैं। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है और सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। ट्रंप को सुरक्षित बाहर ले जाते वक्त ट्रंप चिरपरिचित अंदाज में हवा में मुट्ठी लहराते हुए दिखते हैं। वीडियो में गोलीबारी से डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे और कान के नीचे खून देखा गया है। अंधाधुंध फायरिंग से घायल ट्रंप ने सुरक्षा घेरे के बीच अपने प्रशंसकों का हौसला बढ़ाया। ट्रंप ने जोशीले अंदाज में ये भी जताने की कोशिश की कि वो एकदम सुरक्षित हैं। ट्रंप ने बयान जारी कर बताया कि मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में एक गोली लगी। ट्रंप ने बताया कि गोलीबारी के दौरान एक गोली स्किन को चीरती हुई निकल गई। रैली स्थल पर अचानक गोलीबारी होने से चारों ओर लोगों में दहशत का माहौल दिखा। लोग घबराए हुए चीखते चिल्लाते हुए और पुलिस सिक्योरिटी गार्ड हरकत में दिखे। घटना के बाद ट्रंप ने बयान जारी कर कहा कि गोलीबारी में मारे गए शख्स के प्रति मेरी संवेदना है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि घायलों के परिवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है।